अगर आपको दे तो वो सेटलमेंट को में तो ये परिस्थिति नहीं आती, पर हाँ ईस्टर्न राजस्थान दूसरी जगहों पर जहाँ पे कई मिलाके हैं तो हर एक का उतना ही फाइनल लिया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर्स थोड़े बनाए जाते हैं कि भाई महापंचायत का एक जगह पे रूप दिया है, एक जगह पे एक रूप दिया है जहाँ पे सिर्फ बहनों का है, जैसे पूरा दूध का और डेयरी का पूरा जो काम हो रहा है नाडू वाली के रीजन में वो पूरा टोटली बहन संभालती है, इसमें कोई भाई को लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, उनका चलाना, उनका रखना, उनका हिसाब किताब, उनका डेयरी के साथ का तालमेल, हर एक चीज सिर्फ बहने। तो समाज ने ये तय किया कि भाई ये पार्ट के वापस ये चीज आई है कि ये पार्ट बहने चला थी, ये पार्ट बहने चलाएंगी और वही रखेंगी और चलाएंगी। I don't go by boards. I don't go by board. पतियों से मैं नहीं चलता हूँ। टेक्निकलिटी डिटेल है कि संभव है, संभव निकाल लो, कोई अंभव लिखो, अंभव लिखो, नहीं पड़ता है। क्योंकि चीज़ ये है कि वहाँ जी के रह के जब काम करते हैं तो आप इनके साथ मिल के चलते हो, तो समाज के साथ जी के काम करते हैं हम, वो सारे मानते हैं, नॉट समाज के लिए करते हैं। और ज़रूर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें जाते हैं, समझ की बहुत सारी चीज़ें होती है। आप जो बोलते हैं कि बैठकें होती है, मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, बट एक प्रोसेस के रूप में जो ज़रूर की जाती है, चली जाती है। ये जो आप बात कर रहे हो कि 5-7 साल पहले था, ये 5-7 साल पहले नहीं था, ये परिस्थिति इनकी खराब हुई 25 साल पहले। 20-25 साल पहले इनकी परिस्थिति अच्छी थी, 20-25 साल ये परिस्थिति खराब हुई है। ज्यादातर होता है कि वर्ड ऑफ माउथ या हमने और दूसरी जगह काम किया है, वहां से लोग देखते हैं और सामने से आते हैं या इनवाइट करते हैं कि हम साथ में मिलके काम करें, और इसलिए कई बार उसको 2 साल लगते हैं, 1 साल लगता है, 3 साल लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एच प्रोजेक्ट बनाया और कल काम होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो इस ढंग से काम किया जाता है और होता है, तो संभव से एक टेक्निकलिटी है। गिरावट और चढ़ाव और गिरावट ही होती रहती है। कई बार क्या होता है कि वो ये फोन होती है ना, इसके ऊपर आप गुड़ चिपकाओ या स्विस चॉकलेट चिपकाओ, वो सूंघ ही सकते हो, सकते। तो ये थोड़ा डिपेंडेंसी सिंड्रोम में फंस जाता है कई बार समाज, कि सरकार सब ला देगी, सरकार सब दे देगी, सरकार आएगी तो पूरी दुनिया चल जाएगी। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड से पानी ले आओ अगर ला सकते हो तो, ठीक है, यहाँ से मत लाओ, हिंदुस्तान की बरसात खराब है, कहीं से ले आओ, अमेरिका से ले आओ पानी। बट वो देखना पड़ेगा कि कितनी सेकंड, मिली सेकंड, मिनट तक वो चलेगा या नहीं चलेगा या क्या होगा। तो अपने खुद में वो श्रद्धा विश्वास समाज को रखना पड़ता है, और ये रखते हैं क्योंकि इतने सालों से जीते आ रहे हैं, ऐसे तो थोड़ी जीते आ रहे हैं। 50 साल पहले, 40 साल, 70 साल पहले कोई एनजीओ, सरकार, ये क्या था, ठीक था, समाज तो जीता आ रहा है हजारों सालों से, तो उसकी खुद की भी कोई सोच समझ व्यवस्था है, और उसमें थोड़ा विश्वास और श्रद्धा रखना चाहिए और चलना चाहिए। One last question.
two questions, quick questions, and then we move to the meeting. Hello. कल भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि बेरियों की टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये जो बेरियां बनाई गई, आपने बोला कि एक तो वो होता है कि बेरियां जहाँ बनाई जा रही है, बेरियां जहाँ बनाई गई वो कभी तालाब थे जिनके बीच बीच में बेरियां बनाई गई, उन बेरियों का क्या मेन पर्पज होता है? क्या उनको वो लोग रिचार्ज यूनिट की तरह इस्तेमाल करते हैं या उसे वो एज ए टैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, या आप जो सेकंड पार्ट बोल रहे थे कि उसके नीचे जिप्सम की एक लेयर है जो ज्यादा से ज्यादा परकुलेट करने लगे सोखने के लिए सुटेबल कंडीशन है, वो पानी सोख लेते हैं उसके बाद फिर वो बाद तक उसमें पानी देते रहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जैसा कि आजकल हो रहा है शहरीकरण हो रहा है और शहरीकरण के कारण जो आपके पेरी अर्बन जो गांव के इलाके हैं वो धीरे धीरे शहरों के अंदर आते जा रहे हैं और साथ में आती है उनकी वाटर बॉडीज। अब शहर में जब आती है ये वाटर बॉडीज तो वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या बिल्डर्स हैं, उन्हें पानी नहीं उन्हें लैंड दिखाई देता है पानी की जगह, और उनका पहला जो वो होता है कि जैसे जैसे ये पानी ड्राई अप होता है तो वो इसको दे आर इंटरेस्टेड दैट दिस गेट्स ड्राइड अप एंड दे कैन कन्वर्ट इट इनटू अ मल्टी कॉम्प्लेक्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल और व्हाटएवर। सो माई वी हैव एक्सपीरियंस दिस इन रायपुर, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। व्हाट वुड बी your recommendation, how do we deal with the city governments in protecting these water bodies and in ensuring that they continue to provide water? Water is needed in the city as much as it is needed in rural areas. Gypsum layer, bentonite layer, impervious hai, wo sokta nahi, वो पानी को ऊपर उठने में रखता है, और बेरियां स्टोरेज नहीं है बिल्कुल भी नहीं। आप उसकी बनावट और उसकी व्यवस्था देखेंगे तो बेरियों के कारीगर सिर्फ बेरियों के ही कारीगर होते हैं और कुछ नहीं थे, वो स्पेशलाइज बेरियों के कारीगर होता है, कोई भी कारीगर बेरी नहीं बना सकता क्योंकि उसको इस तरह से उसको रखना पड़ता है कि जो नीचे का पानी है ना वो धीरे 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 उसमें सीप होता रहे और चलता रहे, उसका वॉल्यूम कितना किस तरह से वो भी फाइन ट्यून किया जा सकता है और होता है, तो बेरी ऐसे ही बना जाती है। दूसरा, तालाबों में बेरी जो है, जो मैंने इसलिए दिखाया कि 550 वर्ष पहले भी यही व्यवस्था और परंपरा थी जो आज भी यही समाज ले रहा है और चल रहा है और वो चल रही है कि जैसे आपका तालाब का पानी सूखता है 10 साल में 7-8 साल तो बरसात ही नहीं गिरती है, तो अगर वो सिर्फ तालाब के ऊपर होगा तो वो जी नहीं पाएगा, उसको दो सोर्स चाहिए नहीं तो जिएगा कैसे। तो ये बेरियां जहाँ ये लेयर है वहाँ ये बेरियां इस तरह से होती है कि पानी रिंचता है, तो ये तीन प्रकार के पानी होते हैं रेतिया में, पालर पानी, रेजवानी पानी और पाताल पानी। नॉर्मली पालर पानी और पाताल पानी होता है, ये कई जगह है जहाँ रेजवानी पानी भी होता है कि पानी रिंचता है अंदर से जो है और वो बेरी में आता है, तो बेरी तो एक स्ट्रक्चर है वो पानी को के लिए देने के लिए, तो इस तरह से बेरियाँ चलती है, पर जहाँ ये लेयर होगा वहाँ ही बेरियाँ चलेगी। आप बेरियाँ जैसे पूना में नहीं बना सकते, अगर वो लेयर नहीं है और नहीं होता पानी उस तरह से नहीं चलता तो नहीं बनाया जा सकता। आप दिल्ली के ही हो, 800 तालाब थे दिल्ली में, 800 कहीं ना कहीं हमने तय किया उसको खत्म करने का, और मैं यूज करूंगा हमने, और मैं नहीं गिरूंगा कि उसमें वो पॉलिटिकल है ये है वो है, वो सब कपल दुनिया को सब पता है। हाँ, हमें कई ना कई चीजों में चॉइस बनाना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। मैं ये
बात को थोड़ा मानता हूँ कि जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। तय करना है कि मांगना क्या है, जो भी मांगेंगे हम हमको मिलेगा, पर उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा वही रीत से चलेंगे और रहेंगे। तो हमें तय करना है कि मांगना क्या है। मैं आपको दो तीन एग्जांपल दूंगा। अग्रसेन की बावड़ी हेली रोड के ऊपर मेरे और अनुपम भाई के दोनों की पानी पिया हुआ है, उसमें से मेट्रो की खुदाई में वो पूरी बावड़ी नष्ट हो गई। आप अभी जाओगे हेली रोड पे, अग्रसेन की बावड़ी में एक ड्रॉप पानी आपको नहीं मिलेगा, वो पूरी खत्म हो गई है। ऐसे कई एग्जांपल दे सकते हैं। एक अच्छी बात मुझे याद आई, हमारे भाई ने बताई थी, अर्थक्वेक जब आया था और अहमदाबाद में, तो कुछ 87 या 90% बिल्डिंग्स जो गिरी थी वो इधर कोई छोटी मोटी तलावड़ी और छोटी बिल्डिंगें थी जो गिरी, दो ही अहमदाबाद में बड़ी बिल्डिंगें गिरी, जिसमें एक बिल्डिंग गिरी जिसका एक आधा सेक्शन गिरा, दो बिल्डिंग के बीच में स्टेयरकेस थे, स्टेयरकेस ऐसे के ऐसे ही रहे और ये टाइप की बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि एक ने 10th फ्लोर के ऊपर जटिंग आउट स्विमिंग पूल बनाया था और वो स्विमिंग पूल पूरा भरा हुआ था पानी से, तब तो वो बिल्डिंग पूरी के कारण वेट के कारण कोलैप्स हो गई, बाकी के बिल्डिंग ऐसी की ऐसी खड़ी थी। कई करना पड़ेगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, कोई वन शॉट सॉल्यूशन नहीं है, पर तय करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, इस तरह से चाहिए। सिलेक्ट सिटी मॉल, सबसे बड़े नेचुरल ड्रेनेज और एक पुराने सुंदर डैम के ऊपर बनाए। अब तय कर लो, रिबॉक के जूते पहनने हैं तो सब चीज उसके साथ जाएगी। मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ नहीं पहनने चाहिए, जरूर पहनने चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, कोई एक व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए, समझ नहीं खुद की होनी चाहिए। कहीं ऐसा लगता है कि हमने तय कर लिया है कि हम एक पीढ़ी को खत्म करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि हमने तय किया है कि ये भी ट्राई करके तो देख ले कि एक पीढ़ी खत्म होती है तो क्या होता है, कैसे होता है, फिर आगे चलेंगे वापस। तो ठीक है, मतलब चॉइस है सबका, जरूर हो।